मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों का वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि इस वीडियो में मैं अपना खुद का थीम आप लोगों को बताना सिखा रहा हूं। अब तक फोर्थ वीडियो हो चुका है, ये जो है पांचवा पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप पिछले वीडियो में हमारे जाओगे तो आपको पता ही चलेगा कि जैसे हमने ये टेम्पलेट है, ठीक है, HTML का टेम्पलेट हमने फ्री में डाउनलोड किया था, इसको हम लोग जो है डायनेमिक सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारा जो बैकएंड जो पेज आ रहा है जहाँ से हम एडिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा हो गया है, ये चीज़ें बन गई है यहाँ जहाँ जिसके थ्रू ये आ रही है, ठीक है, डायनेमिक आ रही है। यहाँ पर जो भी आप कंटेंट चेंज करोगे वो यहाँ से अपडेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं कि सपोज ये जो कंटेंट है ना, ये देखिए ये जो कंटेंट आ रहा है यहाँ से, ये जो है आर्टिकल के अंदर से ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट जो है हमारा मतलब यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको स्टैटिक से अब इसको हम डायनेमिक करते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कस्टम फील्ड में जाना है और फिर जो है एक ग्रुप ऑफ फील्ड आपको ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारा है फ्रंट एंड है, ठीक है जी। अब आप चाहो तो यहाँ से कोई अपना अलग से मतलब वो नाम दे के कर सकते हो, लेकिन हमें फ्रंट एंड के अंदर ही काम करना है, तो आप इसको एडिट कीजिएगा। तो जब आप इसको एडिट करेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा सो हेडर पार्ट। अब इसी के अंदर जो है एक और मैं फील्ड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उस फील्ड का हम नाम दे देते हैं कि उस फील्ड का क्या नाम दे देते हैं, कंटेंट, ठीक है। उस फील्ड का हम कंटेंट ही गेट करना, तो अपने नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू आप जो आपका दिल करे यार वो आप दे सकते हो। मेरा ये फंडा आप लोग को है कि आप लोग की जो है पहले बेस क्लियर हो जाए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कोडिंग विथ मी। यदि आप उम्मीद के साथ कोडिंग कर रहे हो तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार मैं बता चुका हूँ, अपने से आप काबिल हो जाओगे मेरी वीडियो देखने के बाद, आप कुछ भी कर सको। तो जो भी आपका दिल करे ना, ठीक है, उसके हिसाब से ले लो। तो मान लो जैसे कि ये इसका मेरा फ्रंट एंड है, तो इसका हेडर सेक्शन आ गया, वेलकम टेक्स्ट आ गया। अब इसको लिख देते हैं कि इसका नाम दे देते हैं हम इसका नाम दे देते हैं किस नाम से, हाँ, कंटेंट कंटेंट टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है, कंटेंट टेक्स्ट दे देते हैं, कंटेंट कंटेंट टेक्स्ट दे देते हैं, कंटेंट TEXT स्पेस नहीं, अपने से वो ले लेगा TEXT, ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा, ठीक है। और इसको जो है हम दे देते हैं टेक्स्ट एरिया नहीं, हाँ, वॉइसिंग एडिटर दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ वॉइसिंग एडिटर दे देते हैं, पेज इक्वल टू पोस्ट टाइप इक्वल टू जो है यहाँ पे पेज ही है, पेज पे रहने देते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, आप लोग कंफ्यूज में जाइएगा, अभी अभी तो फिलहाल इसको अब मतलब वो कर देते हैं, कंटेंट देने के बाद इसको अपडेट कर देते हैं इससे पहले, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप इसके जब पेज पे जाएंगे तो अभी तो हेड सो हेडर से आ रहा था, जैसे ही आप इसको रिलोड करेंगे फिर देखिए आपको यहाँ पर क्या शो हो रहा है। आपको एक नीचे जो है जब इसको सम अप करोगे तो यहाँ पर कंटेंट आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कंटेंट ऐड कर सकते हो, और यहाँ से कट करने के लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को, वहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा मैं, ठीक है, आपके कमेंट का बेसब्री से मेरे को इंतजार रहेगा। तो कंटेंट ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये जो है इसका पहली बात ना, कि अभी देखो अभी ये जो है होम पेज नहीं है, तो हम पहले जाकर ना इसके पहले सेटिंग पहले एडिटिंग से वो कर देते हैं, पहले होम पेज डिसाइड कर लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं हम और यहाँ पर दे देते हैं होम पेज, हम बना देते हैं होम पेज को, ठीक है। और यहाँ से जी अपडेट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, सेव चेंजेस, ठीक है। अब ये जो है ऐसे जो आ रहा है ना, ये अब ऐसे नहीं आएगा, अब इसकी आधी आ जाएगी, तो हम नया में कर देते हैं। अब इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओके, आने लगा, इतना ही है। अब ये पिछला था इसलिए आ रहा है। तो इसकी जो कंटेंट है ना, इस कंटेंट को हम जो है ऐड यहाँ से कर देते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्त, आप जो है इसको डिब यहाँ पे रखिए, ये डिब यहाँ बंद हो रहा है, डिब ये भी यहाँ पे बंद हो रहा है। इसके अंदर का जितने हैं ना, सारे के सारे को उठा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल तक का देखिए, आर्टिकल यहाँ से बंद, देखिए आप जब क्लिक करोगे ना तो ये बताएगा कहाँ कहाँ से बंद हो रहा है। तो आप ये डिब को ऐसे कीजिए,
और इसके आर्टिकल, मतलब आपको डी वगैरह मिस नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना, मतलब ऐसा ना कि आप लोग मिस कर लो। तो इसको जो है कंट्रोल एक्स कर दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लीजिए। कंट्रोल एक्स करने के बाद जो है आप लोगों के लिए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपने जब सेट कर दिया होम पेज के लिए, तो इसकी लेआउट ऐसे हो जाएगी अब होम पेज पे। और जब आप यहाँ पे आओगे कस्टम फील्ड वाले में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेम्प पेज टेम्पलेट। अब इससे क्या बेनिफिट आपको होगा, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट आ रहा था आपको करना है होम पेज का, इससे बेनिफिट आपको क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे क्या होगा भाइयों कि आप इसको ओपन कीजिए सपोज, ठीक है, अब इसको ओपन कीजिए न्यू टैब में। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे यदि आप किसी को सपोज अबाउट अस को ही ले लो, ठीक है, अबाउट अस को आपने लिया, तो अबाउट अस के नीचे जो है वो सेक्शन नहीं आया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये जो होम पेज है, ये जो होम पेज है, होम पेज की जो टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे बेनिफिट क्या हुआ, आप यहाँ पे गए और यहाँ सेलेक्ट कर लिए, यानी कि ये होम पेज बन गया होम पेज को, और यहाँ पे रूल में जाके आपने ये सेट कर दिया कि पेज टेम्पलेट इक्वल टू होम पेज, मतलब ये जो कंटेंट है वो केवल होम पेज पे ही आएगा। और यदि आप इस पे डिफ़ॉल्ट ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो अब ये जितने भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, अब इस पर भी आएगा, देखिए रिलोड कीजिए, ये उसको आप रिलोड कीजिए, देखिए ये चीज़ें जो है आ गया है, यहाँ पे आ गया ना दोस्त, ये देखिए आ गया ना यहाँ पे, और ये गलत है, ठीक है। अब जो पेज जिसके लिए बना है भाई, उसके लिए नहीं काम करना है आपको, तो इसके लिए होम पे कर दीजिए, और जैसे ही होम पे आप करेंगे तो आप इसको फिर से रिलोड कीजिए अबाउट अस पेज को, और आप देखेंगे यहाँ पर वो नहीं रहेगा, वो चीज़ जो है कंटेंट सिर्फ होम पे ही रहेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अब मैंने जाके यहाँ से इसको सेलेक्ट होम पेज करने के और क्या बेनिफिट हुए, और यहाँ से जाके पेज टेम्पलेट रूल से क्या बेनिफिट हुए, ठीक है दोस्तों। तो हम आते हैं अब इस पर और जाते हैं अपने टेम्पलेट पे, होम टेम्पलेट, और देखिए यहाँ पर फ्रंट एंड पेज हो गया, इसके थ्रू हुआ, जब आप यहाँ से सेव कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपको बताने लगा यहाँ पर, देखिए कि ये जो होम है वो फ्रंट एंड पेज है, ठीक है, और पेज का नाम है होम पेज, और टेम्पलेट का नाम है देखिए होम पेज, देखिए होम पेज, और यहाँ पे आपने रोल दे दिया है होम पेज का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया, अब इसको जो आपने कंटेंट को यहाँ से कट किया था इस जगह से, अब ये कंटेंट को उठा के यहाँ पे फेंक दीजिए, हमेशा टेक्स्ट में ही फेंकते हैं, याद रहे एक चीज, उसके बाद यहाँ से अपडेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अपडेट करेंगे और इसको रिलोड करेंगे, ठीक है, तब भी नहीं आया, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो ये कर दिया है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे हेडर में इसको इको कराया था, इसी तरह आप इसको यहाँ पे इको कीजिए, होम पेज में जाइए, यहाँ पे इसको फेंक दीजिए ऐसे, और इसके बाद यहाँ जो स्लग है, स्लग क्या आपने दिया था ये भी देख लीजिए, आपने इसका सेलेक्ट है ये है, ठीक है, स्लग इसका ये है, देखिए एडिट करेंगे ना आप, ये देखिए कंटेंट है ना, स्लग, स्लग ये है, इसी को स्लग बोलते हैं, ये जो है स्लग है, इसको आप बंद कर दीजिए, क्लोज कीजिए, ये देखिए आप स्लग है। अब बाकी आप स्लग पता करना चाहते हो तो आप इसको प्रिंट आर करके देखेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा। तो आप स्लग को यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, और सेव करने के बाद, सेव करने के बाद जो है आप इसको रिलोड कीजिए, ठीक है, अब जो है इसको रिलोड कीजिए और देखिए क्या रहा है इसका डिस्प्ले, अभी तो नहीं आया, एक बार करते हैं इसको ही कर देते हैं कि इस पेज पे क्या क्या आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सेव करते हैं, फिर से रिलोड करते हैं इसको, अच्छा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है, अच्छा जी, मतलब ये जो हमारा जो कंटेंट है ये वाला, ये आ नहीं रहा है, यानी कि अपडेट नहीं हुआ है क्या ये, इसको अपडेट कीजिए यहाँ से, और उसके बाद फिर से इसको कंट्रोल या कर लीजिए,
देखिए इसको सेव, इसे अपडेट कीजिए और फिर यहाँ से रिलोड कीजिए, इसको रिलोड कीजिए, कंटेंट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट ओके। हाँ तो दोस्तों क्या हुआ था ना कि थोड़ी सी वो हो गई थी हमारी, जो यहाँ पे वेरिएबल था ना वो गलत था। क्या था कि इसके पहले ये देखिए क्या था, अंडू करते हैं, ये देख लीजिए, ये था सो हेडर पार्ट। सो हेडर पार्ट किसका था, सो हेडर पार्ट ये था, ठीक है इसका था, लेकिन हमने तो कंटेंट बनाया ना ब्रो, तो आप इसके जगह पी आना चाहिए ना, ठीक है, तो ये नहीं था, इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो क्या होता है ना कभी कार कोडिंग जो होती है ना थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है, थोड़ा सा रोक लीजिए, आप रोक के थोड़ा समझिए कि जो वेरिएबल में आपने पास किए हैं उसमें डिबग क्या आ रहा है, ठीक है, तो आप खुद ही पा जाओगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, और मैंने इसका जो है ना उसका क्या बोलते हैं वेरिएबल भी डिफरेंट कर दिया, वेरिएबल इसलिए डिफरेंट कर दिया बुरबू कि इसका एक बेनिफिट ये होगा कि ऑलरेडी आपने यहाँ पर शो फ्रंट किया है, तो आपने यहाँ पर देखिए आपने उसके लिए किया है ना, हेडर के लिए किया है, तो भैया आप इस पर कर रहे हैं थोड़ा सा अलग अलग करना चाहिए ताकि जो आपके पास जो डेवलपर आए उसको ईजी समझ जाए कि आपने किया क्या है, ठीक है। तो अब इसको फिर रिलोड कीजिएंगे आप ऐसे, तो आप देखेंगे तो ये चीज़ें आना शुरू हो गई। और यहाँ पर देखिए कुछ इशू आ रहा है, ये बोरा हेडर 18 में, तो थोड़ा देखते हैं क्या इशू आ गई है इसमें, किसके अंदर आई है, ये क्या बता रहा है, एक मिनट, सी में होम पेज डॉट पी एच पी में लाइन नंबर 18 के अंदर जो है, लाइन नंबर 18 के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ये है 18 के, अच्छा 18 के लाइन नंबर के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे आएगा ये जो है कंटेंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए, सेव कीजिए, देखिए क्या बनता है। हाँ दोस्तों तो ये डायनेमिक आ गया। एक्चुअली क्या था कि जैसे कि हमारी जो है ना ग्रुप ऑफ नहीं बना था, तो ये चीज़ें तभी काम करती है जब आप ग्रुप वहाँ पर जाएंगे ना, कस्टम पोस्ट टाइप में ग्रुप आप लेंगे, ठीक है। तो हमने तो ये बनाया था, ठीक है, सो कंटेंट करके, तो उससे मतलब क्या था कि आप यहाँ से वन भी हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। तो इससे क्या है कि आप जो है यहाँ से ये हो गया, तो देखिए जब आप ये बनाओगे ना कस्टम पोस्ट टाइप ग्रुप ऑफ फील्ड, तो एक आपको यहाँ से ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि सो हेडर एक ग्रुप है, इसके अंदर फील्ड है, ठीक है। अब जैसे इसको आप एडिट करोगे तो इसके अंदर देखिए आपके फील्ड दिखेंगे, वेलकम टेक्स्ट, वेलकम डिस्क्रिप्शन, जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं ये ग्रुप के अंदर फील्ड है, यानी ये फ्रंट पेज जो है कि फ्रंट पेज के अंदर जो मतलब सो हेडर नाम से है, ठीक है, फ्रंट पेज के अंदर ये जो हमारा फ्रंट पेज है, ठीक है, सो हेडर मतलब फ्रंट पेज का, तो ये हमारी जो है कस्टम पोस्ट टाइप हो गई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आप मिस्टेक यहाँ पे करोगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो क्या है, ये जो फ्रंट पेज है, ये आपने कस्टम पोस्ट टाइप में जाके एक फ्रंट पेज का जो है मतलब टाइटल आपने ऐड किया, उस टाइटल के अंदर आपने ग्रुप ऐड किया, उस ग्रुप के अंदर आपने फील्ड ऐड किया, ठीक है, आपने टाइटल ऐड किया, उस टाइटल के अंदर आपने ग्रुप ऐड किया, ठीक है, टाइप में जाके उस ग्रुप के अंदर आपने फील्ड ऐड किया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये जो है टाइटल हो गया उसका फ्रंट पेज, उसके अंदर आपने ग्रुप किया, उसके बाद उसके उस ग्रुप के अंदर फील्ड आ गया। उसी तरह आपने टेक्स्ट जो है उसका जो है ग्रुप ऐड किया, क्योंकि ऑलरेडी टाइटल ऐड है, फ्रंट पेज का जो है टाइटल ऐड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रुप ऐड करोगे, उस ग्रुप के अंदर फील्ड ऐड करोगे। अभी जैसे कि अब मैंने हमने कंटेंट के लिए कर दिया, अब यहाँ पर देखिए तो मैंने टेस्टमोनियल के लिए करना है, तो कुछ नहीं करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सारी डाउट के लिए यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है, ठीक है ना, अब इसे ऐसे जो है क्लिक कर दीजिए,
और यहाँ पे जो है आप लिख दीजिए ऐड, ठीक है, टेस्टिनोमियल, ठीक है, ऐड टेस्टिनोमियल, ऐड टेस्टिनोमियल ऐड कर दिया क्योंकि हमारी टेस्टिनोमियल है इसके बाद, तो इसको भी डायनेमिक बनाना, ये तो खैर डायनेमिक आ गई है। तो ऐड टेस्टिमोनियल आपने जो है ग्रुप के अंदर जो आपका ग्रुप बनाए थे उसके अंदर आपने फील्ड ऐड कर दी, और इसके अंदर आपको क्या लेना है, इसके अंदर आप जो लेना है ले लिया, मैंने फिर वॉइसिंग एडिटर ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप देखिए, ये देखिए फिर से मैंने वही गलती की, इसलिए गलती यही गलती थी, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं चाहिए, ये जो है आपका इसके अंदर चाहिए, ठीक है, यही सेम गलती हुई थी पिछली बार, तो इसलिए कंटेंट वगैरह आ नहीं रहा था, ठीक है, तो यही गलती हो गई, तो इसको ना थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी कभी बार जो मिस हो जाती है, आपको ध्यान देने, आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यदि यहाँ पे आप ऐड करोगे ना तो ये तो ग्रुप एक अपना खुद का ही ग्रुप हो जाएगा, आपको इस ग्रुप के अंदर फील्ड ऐड करनी है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐड टेस्टी, अपने से ऐड कर लेगा ऐड टेस्टी नोमियल, ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक बता रहा है टेस्टी मोनियल, ठीक है, टेस्टी मोनियल ऐड हो गया, और यहाँ पर जाके आपने इसका ऐड कर दिया वॉइसिंग एडिटर, आपने ग्रुप के अंदर आपको फील्ड ऐड करनी है, ठीक है, और अब अपडेट कीजिए, अब आपको यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा, अब देखिए ये गलत है, ये गलत है, तो अब इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा टाइटल हो गया, टाइटल के अंदर ये ग्रुप हो गया, इस ग्रुप के अंदर आपको फील्ड ऐड करना है, आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो फील्ड ऐड हो गई है, ठीक है, ये हमारा टेस्टिमोनियल है, स्लग है, ठीक है, बाकी आप स्लग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, अब आपको क्या करना है कि ये जो है आपके इंडेक्स डॉट पी एच पी में, तो इतना तो हो गया जी, अब जो है हमारा जो है दूसरा सेक्शन है टेस्टिमोनियल का, अब इसको यहाँ से ऐसे उठा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर टू तक है, ये देखिए एक मिनट जो आ रहा है, ये देखिए पहले ऐसे ना इसको एस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए, एस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आपको पता सारा कुछ चल जाएगा, यानी कि ये जो है कहाँ से आ रहा है, अच्छा वन हो गया, टू, टू किसका है, रेफर टू, अच्छा इसका आ रहा है टू के बाद, अच्छा ओके, यहीं से आप देखेंगे ना आपको सारा कुछ धीरे धीरे पता चलेगा, ये देखिए यानी कि ये आ गया टू के अंदर, अच्छा टू से लेके मतलब यहाँ से लेके टू सेक्शन आईडी से, अब इसको कॉपी भी कर सकते हैं यदि आप समझ ना रहे, इसे कॉपी कर लीजिए, और जो आपका एस्टिमेट पड़ा हुआ है वहाँ पर ऐसे फेंक दीजिए, फाइंड कीजिए, देखिए यहाँ से मतलब ये चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे जो है कॉपी करना है टू, और दूसरा क्या था, अच्छा ये दूसरा एनुअल क्रिसमस डिजाइंस डिसीजन एली, ठीक है कोई नहीं, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का मेरा काम है, तो आपको करना क्या है, इसको ऐसे उठा लीजिए, ठीक है, यहाँ से अब ऐसे उठाइए, ठीक है, और होम पेज पे चले जाइए, और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर दीजिए, ताकि आपको जो है ना सुविधा हो सके, कि जो आपके बाद जो डेवलपर आपके काम करे, देखिए अच्छा डेवलपर वो है जो प्रॉपर कमेंटिंग के साथ काम करे, ठीक है, तभी काम करने का मजा आता है, अपना कोड किसी दूसरे को इजीली पता चले तभी सही है, ठीक है, खामा खा आप 30 मार खां बनोगे बिना ऐसे कर दो, फिर अगला डेवलपर आया आपके जाने के बाद वो कन्फ्यूज होगा, तो एक जो है सही तरीका होती है प्रॉपर कमेंटिंग, जो मैं पिछली कंपनी में था तो उसमें प्रॉपर कमेंटिंग बताया जाता था, कि विदाउट मतलब ये नहीं, मतलब प्रॉपर कमेंटिंग होनी चाहिए ना, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करके टेस्टिमोनियल करके, ठीक है, टेस्टिमोनियल नियल करके एक दो इसको कमेंट करके इसके नीचे कर दीजिए, ताकि पता चले, ठीक है, उसके बाद अब ऐसे इसको सेव करेंगे ना, सेव करके देखिए कैसा आ रहा है, फिर डायनेमिक करेंगे,
आ रहा है ऐसे। अब इसको रीलोड कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आने लगी, ठीक है। अब इसको डायनेमिक कर देते हैं, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आपको ध्यान देना ये सेक्शन से लेके, ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दीजिए आप। हाँ, इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन, ये डीप इनर डीप को छोड़ के ये हेडर से, ठीक है। अब इसको ऐसे उठा लीजिए यहाँ से लेके, और हाँ इसको आप चेक करेंगे तो अच्छा ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये किसका क्लोज हो रहा है, इसका हो रहा है, कोई नहीं। तो आप इसको उठाइए और यहाँ तक जाइए, बस कंट्रोल एक्स कर लीजिए, ठीक है। और आपने जो यहाँ पे आपने बनाया है सो इसको रिलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा ऐसे। हाँ, और एक चीज़ और खासियत है, जब आप करोगे ना तो ऐसे देखिए ना बॉर्डर के अंदर आ जाएगा, तो यानी ये ग्रुप ऑफ फील्ड है, ठीक है। तो आप इसके अंदर जाइए टेक्स्ट में करके, विजुअल में कभी नहीं लिखते हैं एचटीएमएल, टेक्स्ट में लिखते हैं। तो टेक्स्ट में जाके इसको ऐसे कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद जो है आपको कंट्रोल वी कर लीजिए, कंट्रोल वी करके आप इसको अपडेट कीजिए, ठीक है। कंट्रोल वी करके अपडेट कीजिए, और ये जो आ रही है यहाँ पे आपने इसका जो दिया है कंटेंट के अंदर जो एडिट करने के, एडिट करेंगे तो आपको एड टेस्टमोनियल आएगा, इसको स्लग को ऐसे कॉपी कर लीजिए और आपको यहाँ पे आइए, ठीक है। और आने के बाद जो है ऐसे रखिए, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए। अभी एक मिस्टेक है इसमें, मैं भी आपको बताता हूँ, पहले बता दे रहा हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक है। और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ठीक है, सेव कीजिए। सेव करने के बाद इस पेज को रिलोड कीजिए। अभी देखिए अभी हटा है ये, ठीक है। और यहाँ पे जब सेव करेंगे आप, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया है जहाँ जहाँ आपने लिखा है ना, यहाँ पे देखिए इसके अंदर पीएचपी भी आ गया है, और वाइशिंग एडिटर के अंदर पीएचपी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये पीएचपी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से जो है ना इस पीएचपी को हटा दीजिए, ठीक है, सिर्फ इमेज का पाथ दे दीजिए, ऑटोमेटिक ये ले लेगा जहाँ जहाँ है स्टेटिक्स के लिए, ये पीएचपी का ये हटा दीजिए, क्योंकि वॉइसिंग इंडिटर के अंदर पीएचपी का कोड नहीं चलता है, ठीक है। यही हमारी मिस्टेक थी, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद जो है इसको भी, और वार्निंग भी नहीं आता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है इसके, इसको फिर अपडेट कीजिए यहाँ से, ठीक है, रिलोड कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ रख लीजिए, अच्छा टी यहाँ पे लगा है ना, ये हटाइए, स्लग जो है यानी ये वाला स्लग जो है वही होना चाहिए एग्जैक्ट। अब यहाँ से रिलोड कीजिए, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको पाथ नहीं मिल रहा है, इसलिए इमेज नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप एक काम कीजिए कि इमेज पाथ नहीं आ रहा कि, तो आप CSS इसको कॉल करा लीजिए, और नहीं तो आप जो है इमेज को, एक और तरीका है अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे आपको करना है। अब क्या है कि आपने जो है यहाँ पे पीएचपी से तो आपने हटा दिया, आपको यहाँ पे ना पाथ देना पड़ेगा इमेज की। जैसे आप यहाँ पे जाइए, और जैसे मैंने यहाँ पे सपोज ये पाथ देना है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए जो आपको फोल्डर है, जैसे मेरा यहाँ पे था, तो सपोज़ मेरे को इसका रखना है, तो इसको मैं ऐसे करके ना अपलोड करूँगा, यहाँ पर जो अपलोड होगा तो ये इसको जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को पाथ दे देगा वो। तो इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है आप अपने एडिटर में आइएगा, ठीक है। तो एडिटर में आने के बाद जो है आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जब आप पेस्ट करके जब अपडेट करेंगे ना यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे वो आपको
इमेज आ गई। ठीक है, तो उसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पे ये है, इसको चाहिए टेम्पस के लिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको फिर से जाना है वही यही काम करना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको ऐसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये इसको जब राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपलोड करने के बाद, तो इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वॉइसिंग एडिटर के अंदर जाके अपना उस इमेज की जगह पे आप इसको ऐसे रख दीजिए यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, सोर्स में, क्योंकि पहले ऐसे आ रहा था एचटीएमएल में, ऐसे ऐसे उठाएगा नहीं इसको, पूरा यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप लाइव करोगे तो आप यहाँ पे लाइव का अपना पाथ दे देना है, कुछ नहीं करना होता, बस आपका वहाँ पे एक यूआरएल सेट करना पड़ेगा या तो एचटीएक्सएस में वो रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें आने लगेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह अब एक लास्ट बचा है, वो कौन है, ये है, इसको भी ले लेते हैं और इसको ऐसे एडिट करते हैं और इसको ऐसे उठाते हैं और यहाँ पे जाके आपका ये सारे के सारे जो है आप पूरा जो है डायनेमिक वेबसाइट आपकी बन गई है। तो इसी तरह हम बनाते हैं, ठीक है, और एसईओ के थ्रू पूरी वेबसाइट को डायनेमिक बनाते हैं। जैसे ये हो गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो सारा कुछ आ गया, अब मिल रहा, पहले पाथ नहीं मिल रहा था इसीलिए वो था, पहले पाथ नहीं मिल रहा था। अब जैसे अब एडिट करोगे ना इसको, तो पहले क्या था कि इसकी पाथ नहीं मिल रही थी, ये इतना ही था। अभी ऐसे हटा के देखिए, ये देखिए फिर से गायब हो गया, मिल गया, ठीक है, इसी तरह। तो पाथ नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं आ रहा था अपना। यहाँ पे जाइए मीडिया में जाके, यहाँ पे जाने के बाद डैशबोर्ड में जाइए, यहाँ पर मीडिया, मीडिया पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ऐड मीडिया कीजिए, ठीक है, ऐड मीडिया कीजिए, ठीक है, ऐड न्यू मीडिया कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए जो भी फोल्डर का इमेज है और यहाँ से जो है आप अपलोड कर दीजिए। इनको मैं रख कर देता हूँ, एज फ्यूचर काम आएंगे, तो ऐसे मैंने इनको अपलोड कर दिया। अब बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका हो गया डायनेमिक जी, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे, इसको हम करेंगे पोस्ट के थ्रू, इसका हम पोस्ट बना लेंगे, ये पोस्ट है रीड मोड का, तो इसको हम पोस्ट के थ्रू करेंगे। तो पोस्ट के लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी वीडियो हो गई है 27 मिनट की, तो ठीक है। तो अभी इतना जो जितना मैंने आपको बताया उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा और वो कीजिए, ठीक है, यहाँ से जाइए, सब सारा कुछ बनाइए जो मैंने आपको बताया है, ग्रुप ऑफ पोस्ट बनाइए यहाँ से कस्टम पोस्ट टाइप, और नेमिंग कन्वेंशन के साथ उसको लिखिए और यहाँ पे सेलेक्ट के थ्रू उसको कॉल कर लीजिए, ठीक है, कुछ रख ले लीजिए, जो जो मेन चीज़ है, जो मेन डिव है उसको रखिए और बीच में कोड इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ से शो कंटेंट आ रहा है, इससे ये टेस्टिमोनियल का पार्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, तो अभी तक जो भी समझ में नहीं आया है उसके बारे में कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक और डिसलाइक जो आपका दिल करे वो कीजिए। लाइक करेंगे फिर भी मैं मोटिवेट होऊंगा, डिसलाइक करोगे फिर भी मैं मोटिवेट होऊंगा, लेकिन इससे बेनिफिट आप ही लोग को होगा, ठीक है, कि ताकि मेरे को पता चलेगा कि मैं आप लोग को जो टीचिंग दे रहा हूँ वो किस हद तक मैं दे रहा हूँ, ये सही है या गलत है, तो ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट, ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारे इनबॉक्स को भर दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप लोगों को ईजिली आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, जय माता दी।